हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। ये रीडिंग है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की, यानी 1 to 7 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर एरीज। The Hierophant, Two of Spheres, Eight of Stars. And Knight of Swords. Okay. So Aries, the Hierophant के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप जिससे भी डील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपसे ज्यादा मैच्योर्ड है और स्टेबल है और सेटल्ड है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता है मैच्योर्ड से। मेरा मतलब आपके बीच में एज डिफरेंस काफी ज्यादा हो सकता है या फिर एक्सपीरियंस, बिहेवियर, कुछ भी ऐसा। और टू ऑफ स्फीयर के साथ मुझे लगता है कि आप इस पर्सन में काफी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सकता है और वैसी लाइफ दे सकता है जैसा आप चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करेंगे। ये आपको एज अ चाइल्ड पैम्पर करेंगे और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये उठा लेंगे। ओके? लेकिन एट ऑफ स्टार्स के साथ यहां कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। अब ये ऑब्स्टेकल्स यानी ये जो घेरा है जिसके अंदर आप इस वक्त हैं, मुझे लग रहा है अभी भी आप इस प्रोसेस में हैं कि आपको इस पर्सन के साथ जाना है या नहीं। और एट ऑफ स्टार्स के साथ मुझे लगता है कि आपको ओपिनियन देने वाले बहुत सारे लोग हैं और आप इस बंद कैसल में से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ओके? कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एडमायर करते हैं लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स हैं। अब ये आपके आसपास के लोग हैं या आपके खुद के ओपिनियंस हैं जो आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि फाइनली आप ये डिसीजन ले सके। ये आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपका माइंड स्विंग कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आप कुछ फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप डार्कनेस में चल रहे हैं। आप कोई फैसला लेने जैसे ही जाते हैं फिर आपकी गट फीलिंग बोलती है रुक जाओ, थोड़ा सा और एनालिसिस कर लो, कहीं इस डार्कनेस में कुछ और सरप्राइजेस ना हो। आप ये बिलीव करना चाहते हैं कि जो आपको दिख रहा है वो सही है। होपफुली आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, एक भरोसा चाहिए और वो आपके अंदर किसी रीजन से बन नहीं पा रहा है। ये दूसरे लोग आपके मन में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं या आप खुद से कुछ चीजों को देख रहे हैं और उस पर सोच रहे हैं। आपके अपने थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है एरीज, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। इसके अलावा रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और प्रीवियस वीक की रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। डेथ,
gives me. Three of a square. Nine of stars. The Pope. So, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज है एरीज, इसके चलते आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एंड पे भी आ सकता है, क्योंकि यहां कार्ड है डेथ का. मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आप अपना फाइनल फैसला ले लेंगे इस वीक में कि आपको इस पर्सन को यस कहना है या नो, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट कार्ड फॉलो कर रहा है वो थ्री ऑफ स्फीयर का है. तो यहां पे कुछ चल रहा है, कुछ फैमिली सेरेमनी चल रही है, कुछ फैमिली मीटिंग्स हो सकती हैं जहां कुछ तय किया जा रहा हो, किसी शादी के बारे में बात हो रही हो, किसी तरीके की एंगेजमेंट या किसी तरीके का कमिटमेंट चल रहा है, या आप एक दूसरे की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएं अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए जाते हैं तो. और अगर नहीं जाते हैं तो पॉसिबली ये जो आपका पार्टनर है जिससे आप डील कर रहे थे, आपको पता हो या ना हो, ऑलरेडी शायद कहीं पे कमिटमेंट देना चाह रहा है या कहीं पे कमिटमेंट कर रहा है, और ये कोई सीरियस कमिटमेंट हो सकता है शादी को लेके या कोई ऐसी चीज, क्योंकि फाइनली आप दोनों को पता है कि आपको यहां से मूव ऑन करना है. अगेन ये जनरल रीडिंग है तो आप इसे अपने हिसाब से देखें. फिर यहां पे है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अकेलापन. आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हैं. अब ये जो सेरेमनी है ये आपके भी घर में हो सकती है, हो सकता है कि आप भी किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये वन वे स्प्रेड है, ये डबल साइडेड नहीं है और ना ही ये पर्सनल रीडिंग है. हो सकता है कि आप भी किसी को कमिटमेंट दे रहे हो एंड आपके पार्टनर को नहीं पता है, बट नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये बातें सूनर और लेटर आपको पता चल जाएंगी. आपको या अकेलापन फील हो रहा है या तो आपके पार्टनर को अकेलापन फील हो रहा है. अगर आप नए रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं एरीज, तो भी आपको अपनी प्रीवियस चीज ही पसंद है कि मुझे तो वही पर्सन मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फिर नेक्स्ट है यहाँ पोप का कार्ड. आप इस पर्सन से इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो गए इस पर्सन पे, और आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया भी हो शायद पास्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जेन्युइनली इस पर्सन में इंटरेस्टेड लग रहे हैं. बट देन कुछ चीजें हो सकती हैं जो सॉर्ट आउट ना हो रही हो और इसके चलते आपको इस रिलेशनशिप से दूर जाना पड़ रहा है. ये चीज आपको सैड कर रही है ये फीलिंग, बट देन ये फीलिंग टेम्पोररी है, ये ओवर हो जाएगी एरीज, और ये जनरल रीडिंग भी है तो इसके लिए ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है. मैसेजेस फॉर एरीज. फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर. Builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Okay. आपके अंदर जो ability है किसी भी चीज को create करने की, build करने की, ये आपका confidence बढ़ाती है. भले ही अगर आपके साथ tough situation में भी आप है Aries, तो कोई फर्क नहीं पड़ता.
एक पर्सन से अगर आपका रिलेशनशिप खत्म होता है तो भी आपको दूसरे ऑफर्स मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके प्रीवियस पार्टनर से बेटर हो और आपके पास बिल्ड है सॉरी आपके पास एबिलिटी है हर बार चीजों को बिल्ड करने की। बार बार चीजें गिरे भी तो भी आप उसे वापस बिल्ड कर लेते हैं और ये कॉन्फिडेंस जो है आपका आपको हर प्रॉब्लम में से निकाल लेगा, आपको ज्यादा दिन तक रिग्रेट नहीं करना होगा। सो ये थी रीडिंग आपके सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।